अयोध्या में प्राइवेट अस्पतालों के बायोमेडिकल वेस्ट के खिलाफ अभियान शुरू हो गया है। नगर आयुक्त विशाल सिंह ने अपनी टीम के साथ शहर के गोमती हॉस्पिटल पर छापेमारी कर स्थिति जानने का प्रयास किया। निरीक्षण के दौरान उन्हें सड़क पर बायोमेडिकल वेस्ट फेंके जाने का सामान सामने आया, जिस पर उन्होंने जमकर फटकार लगाई। नगर आयुक्त ने बताया कि चेतावनी के बाद भी बायोमेडिकल वेस्ट सड़क पर फेंका जा रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक है, जो भयंकर रोग का कारण बन सकता है। उन्होंने कहा कि अस्पताल भी मानक के हिसाब से चल रहा है या नहीं, उसकी जांच की जाएगी। पूरे शहर में जो मेडिकल वेस्ट होता है, उसको फेंकने का बायोमेडिकल वेस्ट का एक तरीका है, और जो भी अस्पताल के संचालक हैं, डॉक्टर्स हैं, डिस्पेंसरी वाले हैं, उनके बकायदा अनुबंध हस्ताक्षरित होता है कि मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल किस प्रकार से किया जाएगा। जब तक वो मेडिकल वेस्ट जो निर्धारित कंपनी है उसके द्वारा नहीं ले जाया जाता, तब तक उसको खुले में फेंकना एक जघन्य अपराध है, जो पूरे अपने आसपास के एरिया में एक तरीके से कहिए तो आप बीमारी फैलाने का काम कर रहे हैं, और किस किस तरह की बीमारियाँ फैलेंगी इसका भी कोई जानकारी नहीं है। कल इसके द्वारा हम लोगों ने अभियान चलाकर शायद आता ही कुटिया पर सफाई कराई गई, आज पुनः वहाँ पर सॉलिड मेडिकल वेस्ट फेंका गया, बायोमेडिकल वेस्ट, और आज अभी फिर सेकंड अफेंस है, मेरे सामने फिर फेंका गया। इस स्थिति में मेरे सामने कोई और ऑप्शन नहीं है कि मैंने सीएमओ से अभी रिक्वेस्ट करी है, डीएम साहब को भी बोला है, हम लोग इसको इस अस्पताल को भी रजिस्टर करेंगे और इसकी जाँच करेंगे कि किस प्रकार से ये जो यहाँ सॉलिड वेस्ट का काम है वो हो रहा है, और अगर मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट खुले में फेंका जा रहा है तो ऐसे सभी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और खिलाफ रिजनल ऑफिसर होता है उसमें भी एक्शन होगा, और इनके नक्शों की भी जाँच की जाएगी, और खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये अभियान तब का चले रहा सर? ये अभियान लगातार चलता रहेगा जब तक हमारे यहाँ इस बात की डिसिप्लिन लोगों में नहीं आ जाती कि मेडिकल बायोमेडिकल वेस्ट को किस प्रकार से डिस्पोज करना है पूरे अयोध्या जिले में।